दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अनुपमा की शादी छोटी उम्र में ही धीरज नाम के लड़के से हो जाती है और अनुपमा ने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। अनुपमा और धीरज का एक ही बेटा था, मयूर। लेकिन किसी कारणवश अनुपमा के पति का देहांत हो जाता है और अनुपमा के सर पर धीरज की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। अनुपमा अपने बेटे के लिए दिन रात एक कर देती है, पर मयूर अपनी माँ को फूटी कोड़ी के बराबर मानता है। जब मयूर 20 साल का हुआ तो एक दिन अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, हमारा कॉलेज एक ट्रिप पर लेकर जा रहा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, अब तुझसे कुछ छुपा तो नहीं है, तू सब जानता है कि तेरे पापा के जाने के बाद मैंने कितनी मुश्किल से इस घर का खर्चा चलाया है। मैं लोगों के कपड़े सिलसिल कर ही दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती हूँ। अब ऐसे में तेरी ट्रिप के पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? माँ, अगर आपकी जगह मेरे पापा होते तो वो मुझे कभी पैसे के लिए मना नहीं करते। इतना कहकर मयूर पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है और अनुपमा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, क्या सच में अब मैं अपने बेटे की जिम्मेदारियों को अकेले नहीं उठा सकती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। जिसके बाद अनुपमा को एक तरकीब सूझती है और वो न्यूज़पेपर में नौकरी तलाशने लगती है। तभी उसकी नज़र एक नौकरी के इश्तेहार पर जाती है, जिसे पढ़कर वो बोलती है, अरे ये क्या, टेलर की जरूरत है, मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए। आखिर मैंने 10 साल सिलाई करके अपना घर चलाया है और इस शहर में मुझसे अच्छी सिलाई कोई करके तो दिखाए। जिसके बाद अनुपमा जॉब के लिए अप्लाई कर देती है और शाम को जब मयूर घर आता है तो उसे खुश होकर पैसे देते हुए बोलती है, ले बेटा तेरी ट्रिप के पैसे। क्या बात है माँ, आप तो कह रही थी कि पैसे नहीं है, फिर ये पैसे कहाँ से आए? बेटा, अखबार में एक नौकरी का इश्तेहार आया था टेलर की, मैंने वही नौकरी अप्लाई करी है और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वो नौकरी मिल जाएगी। वैसे तो ये पैसे मैंने घर खर्च के लिए रखे थे, पर तू अभी ना इस्तेमाल कर ले। अब माँ को ये बोला कि ये नौकरी इन्हें मिलने से रही तो बेकार में मुझे ये पैसे देने पड़ जाएंगे वापस। हाँ माँ, मैं तो जानता हूँ ये नौकरी आपको ही मिलेगी, देख लेना। इतना कहकर मयूर पैसे लेकर चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड आरवी के पास आकर बोलता है, जान देखो ना, मेरी माँ ने मुझे फाइनली पैसे दे ही दिए, अब हम घूमने जा सकते हैं। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है ना, तुरंत पैसे दे दिए, काश मेरी भी माँ होती। अबे यार, अब मूड सेंटी मत करो, खुश रहो। जहाँ एक तरफ आरवी और मयूर घूमने के लिए निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की नौकरी फाइनली लग जाती है। दिन बीतते हैं और अनुपमा अपनी नई नौकरी को पूरे दिल से करती है और इसी के साथ अब उसके घर की माली हालत भी सुधर जाती है। एक दिन अनुपमा का बॉस सुजय उससे बोलता है, अनुपमा, यू आर रियली डूइंग ग्रेट, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, क्या तुम आज मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? अनुपमा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे, क्योंकि उसके पति की मौत के बाद पहली बार किसी आदमी ने उससे इतने अच्छे से बात करके कुछ पूछा था। लेकिन अनुपमा अपनी भावनाओं को संभालते हुए सुजय को इनकार कर देती है। समय गुजरता है और एक दिन मयूर शादी करके आरवी को घर ले आता है। अनुपमा आरवी को देखकर बोलती है, मयूर ये क्या, तूने शादी कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ, किस जमाने में जी रही हो आप, शादी ही तो की है, अब प्लीज आप हमें आशीर्वाद दो और अंदर आन दो, हम दोनों बहुत थक गए हैं। अपने बेटे की शादी इस तरह से हुई देख अनुपमा फिर से अपनी हिम्मत को हार जाती है और अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो रोते हुए अपने आप को समझा रही होती है। तभी वहाँ सुजय आकर बोलता है, अरे ये क्या अनु, जिस चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है आज वो इतना उदास क्यों है? अनुपमा ना चाहते हुए भी अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और सुजय के गले लगकर उसे सब बता देती है और उसकी सारी बातें सुनकर सुजय बोलता है, तुमने अपने फर्ज अच्छे से निभाए हैं और एक अच्छी सिंगल मदर बनी हो, लेकिन एक सिंगल मदर बनने के चक्कर में तुम खुद की इज्जत, अस्तित्व सब भूल गई, ये गलत है, तुम्हारी भी जिंदगी है और तुम्हें इसे जीने का पूरा हक है। सुजय की बातें अनुपमा को दिलासा देती हैं और वो कुछ अच्छा महसूस करती है। फिर आए दिन यूं ही सुजय और अनुपमा कभी चाय पर मिलते तो कभी कॉफी पर। धीरे धीरे अनुपमा को सुजय और सुजय को अनुपमा भाने लगते हैं,
लेकिन खुशियों को नजर लगते कहाँ देर लगती है। ऐसे ही एक दिन अनुपमा सुजय के साथ एक कैफे में बैठी होती है, तभी मयूर वहाँ अपनी बीवी के साथ आता है और अनुपमा को सुजय के साथ देख लेता है, जिसके बाद वो उनके पास जाकर बोलता है, ओ तो ये है आपका ऑफिस, तो इसीलिए आजकल आपका घर पर कपड़े सिलने का मन नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ रंगरलियाँ मनाना चाहती हैं। नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, अब मैं समझता हूँ माँ अंधा नहीं हूँ। मयूर बेटा मेरी बात तो सुनो, हम तो बस दोस्त हैं। ओ प्लीज आप तो कुछ बोलिए ही मत। क्यों ना बोलूं? तुम अपनी देवी जैसी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो और मैं कुछ भी ना बोलूं? हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत पसंद करता हूँ और उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी माँ ने मुझे साफ इनकार कर दिया और अब हम बस अच्छे दोस्त हैं। माँ मुझे किसी पराए आदमी की कोई बात नहीं सुननी, अगर आपको मेरे साथ रिश्ता रखना है तो तुरंत मेरे साथ घर चलिए, और हाँ आज के बाद आप इस आदमी से नहीं मिलेंगी। मयूर के इतना कहते ही अनुपमा अपने दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी नौकरी भी छोड़ देती है और बस एक जिंदा लाश की तरह ही घर पर रहती है। अब अगर उसे कोई समझने वाला बचा था तो वो थी उसकी खुद की बहू आरवी, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ आपने शुरू से ही मयूर की सारी जरूरतों का ध्यान रखा, उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आप एक सिंगल मदर है, ये सब आपने अकेले किया, बिना ये सोचे कि अकेले आप सब कुछ कैसे संभाल पाएंगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि सबके जरूरतों को पूरा करते करते आप अपने खुद की जिंदगी को भूल ही गई हैं? आपकी खुद की भी जरूरतें हैं, खुद के भी फैसले हैं। पर क्या माँ, क्या एक औरत का बस यही फर्ज है कि वो सबके जरूरतों को पूरा करे और उन्हीं जरूरतों को पूरा करते करते एक दिन मर जाए, क्या उसके खुद की कोई जिंदगी नहीं है? इतना कहकर आरवी अनुपमा के कमरे से चली जाती है, लेकिन अपनी बहू की बातों से अनुपमा को ये एहसास होता है कि वो भी इंसान है और उसको भी एक साथी की जरूरत है, जिसके बाद अनुपमा बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे के पास जाकर बोलती है, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी सब बातें मानी, तेरी जरूरतों का ख्याल रखा, लेकिन जब मुझे तेरी जरूरत थी तो तू कहीं नहीं था बल्कि सुजय था। आज तू अपने पैरों पर खड़ा है और तेरी अपनी खुद की दुनिया है, पर मेरा क्या, आज मैंने भी फैसला लिया है कि मैं अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ, एक ऐसे इंसान के साथ रहने जा रही हूँ जो मेरा अच्छा हमसफर भले ही ना हो, लेकिन मेरा अच्छा दोस्त जरूर बनेगा। इतना कहकर अनुपमा अपने बेटे का घर छोड़कर सुजय के घर चली जाती है, जहाँ वो उसे देखकर गले से लगा लेता है, और इसी के साथ मयूर को ये एहसास होता है कि वो कितना स्वार्थी हो गया था कि उसने कभी भी अपनी माँ की इच्छाओं को जानना जरूरी ही नहीं समझा, और उसके बाद वो भी सुजय और अनुपमा के रिश्ते को स्वीकार कर लेता है, और कुछ इस तरह अनुपमा अपनी सिंगल मदर होने की ड्यूटी से रिटायर हो जाती है। शिल्पा एक रोमांटिक टाइप की लड़की थी जो कि हर किसी से रोमांटिक चैट कर लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन आशु नाम के एक लड़के का उसके पास फेसबुक पर मैसेज आता है, जो कि उसी के कॉलेज का लड़का था। शिल्पा अपना सारा काम खत्म करके आशु का मैसेज देखती है, उसका मैसेज देखते ही शिल्पा उसका रिप्लाई करती है, वाओ कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के ने मुझे मैसेज किया है, तुम्हारा मैसेज देख के तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। अगर मैं कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का हूँ तो तुम भी तो कॉलेज की सबसे हॉट लड़की हो, और मैं तो कब से तुमसे बात करना चाहता था, बस कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। ओ तो मेरे जिगर के छल्ले ने आज हिम्मत कर ही ली। हाँ वैसे मुझे तुमसे कुछ बोलना था, अगर तुम बुरा ना मानो तो। अरे तुम तो जान हो मेरी, और जान की बात का बुरा थोड़ी मानते हैं, प्यार करते हैं उससे। आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी, ना जाने कितने ही दिलों को तुमने आज घायल किया होगा, तुम्हें नहीं पता। दोनों रात के 2 बजे तक एक दूसरे से रोमांटिक चैटिंग करते हैं, और अगले दिन शिल्पा अपने किसी पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उत्कर्ष नाम के एक लड़के से होती है। उत्कर्ष एक बहुत ही अच्छे और शरीफ घर का लड़का था। शिल्पा की बेस्ट फ्रेंड नताशा के जरिए उसकी उत्कर्ष से बात होती है, और वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। थोड़े ही देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, और घर जाने के बाद
शिल्पा उसे मैसेज करती है। हेलो डियर, कैसे हैं आप? घर आ गए? हाँ, आप बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपसे बात कर अच्छा लगा और दोबारा बात करने का दिल किया, इसीलिए मैसेज कर दिया। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और वैसे भी अब तो हम अच्छे दोस्त हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। आप भी काफी अच्छे हैं। आई लाइक यू। इतनी जल्दी? हेलो सर, आई लाइक यू एज अ पर्सन। इस तरह दोनों की धीरे धीरे बातें बढ़ने लगती है। अब उत्कर्ष भी शिल्पा को कहीं ना कहीं पसंद करने लगता है। और एक दिन उत्कर्ष शिल्पा से बोलता है, यार उस दिन के बाद हम कभी मिले ही नहीं, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? Of course, why not? अगले ही दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ खूब सारी मस्ती करते हैं। अब शिल्पा सारी सारी रात बस उत्कर्ष से ही बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कंबल के अंदर घुसकर उत्कर्ष से चैटिंग कर रही होती है और उससे कहती है, I like you. I know, as a person, na? यार, I seriously like you. Do you like me? Yes, I like you. I love you. दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात को शेयर करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुछ ही समय के बाद दोनों अपनी फैमिली से बात करके उनकी रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे अब घर में सारा दिन अकेले रहकर शिल्पा बोर होने लगी थी, तो वहीं उत्कर्ष हमेशा ही अपने काम में व्यस्त रहता था। इसी बात से परेशान होकर एक दिन वो ऑनलाइन किसी रुपेश नाम के लड़के से बातें करनी शुरू कर देती है। देखते ही देखते एक बार फिर से शिल्पा अपना टाइम पास करने के लिए लड़कों से रोमांटिक बातें करती है। यहाँ तक कि अब वो उत्कर्ष को भी टाइम नहीं देती और उसके सोने के बाद रात रात भर चैट करती। ऐसे ही एक दिन इंस्टाग्राम पर उसके पास एक हर्ष नाम के लड़के की रिक्वेस्ट आती है। शिल्पा उसकी पूरी प्रोफाइल देखती है जिसमें उसे वो लड़का बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इसी कारण वो उसे मैसेज कर देती है। हर्ष भी उसे तुरंत रिप्लाई करता है। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया है, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स हैं आपके, बॉडी बहुत अच्छी है। आपको अच्छा लगा? मेरी मेहनत रंग लाई। ये मेरी एक छोटी सी विश थी कि कोई सुंदर सी लड़की मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे। ओह रियली? वैसे आप क्या करती हो? मैं लोगों का दिल चुरा लेती हूँ और उनको पता भी नहीं चलता। ये तो सच है, जैसे आपने मेरा दिल चुरा लिया एक ही दिन में। कहाँ गई? सो गई क्या? हेलो शिल्पा, सो गई क्या? शिल्पा बात करते करते सो जाती है और बेचारा हर्ष उसको मैसेज करता रहता है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने फोन पर जाती है, जिसमें वो हर्ष के काफी सारे मैसेजेस देखती है और देखकर मुस्कुराने लगती है और उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देती है। तभी उत्कर्ष उसके पास आता है और उससे बोलता है, पूरे दिन और पूरी रात फोन पर ही लगी रहती हो, थोड़ा टाइम अपने पति को भी दे दो। जी बिजी तो आप रहते हैं, मैं तो बस अपना टाइम पास करने के लिए फोन में उंगलियां मारती रहती हूँ। ठीक है तो चलते हैं आज मूवी देखने, रेडी रहना। उत्कर्ष मूवी का प्लान बनाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और शिल्पा हर्ष से बातें करने लगती है। शाम होते ही वो उत्कर्ष के साथ मूवी देखने जाती है और घर आने के बाद जब उसका पति सो जाता है तो वो फिर से हर्ष से बातें करने लगती है। उन दोनों की बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हर्ष उसे पसंद करने लगता है और उसको अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है। तभी उसे मैसेज करते हुए बोलता है, आज आपकी बहुत याद आ रही है। ओह सो स्वीट यार, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। झूठ, अगर आपको मेरी याद आ रही होती तो आप मुझसे मिलने की बात करती। बस इतनी सी बात, बोलो कब मिलना चाहते हो? हर्ष और शिल्पा अगले दिन कॉफी शॉप में मिलते हैं, जहां पर हर्ष उसको रिंग देते हुए प्रपोज करता है, पर शिल्पा उसका प्रपोजल रिजेक्ट करके उससे कहती है, आई एम सॉरी पर मैंने तुम्हें कभी उस नजरिए से नहीं देखा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकती। इतना सब बोलकर शिल्पा वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन अपने टाइम पास के लिए बिल्कुल भी रोमांटिक चैट करना बंद नहीं करती।
इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन शिल्पा को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, जिस वजह से उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां पता चलता है कि उसे पानी की कमी है, जिसके कारण डॉक्टर उसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो हॉस्पिटल के जिस वार्ड में शिल्पा होती है, उसी वार्ड में हर्ष भी होता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी उसका भाई आदि उसको लेकर जाने लगता है। इतने में शिल्पा उसे रोककर उससे हर्ष के बारे में सब पूछती है, तो आदि उसे अपने भाई के बारे में बताते हुए कहता है, ये मेरा छोटा भाई है हर्ष, इसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे किसी लड़की से प्यार हुआ था, उस लड़की का तो टाइम पास हो गया और उसकी वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई। इतना बोलकर आदि हर्ष को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बातें सुनकर शिल्पा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद उत्कर्ष वहाँ आता है और अपनी पत्नी को ऐसे रोता हुआ देखकर उससे रोने की वजह पूछता है। शिल्पा उसे सारी बात सच सच बताती है और बोलती है, ये सब मेरी गलती है, हर्ष की ये हालत मेरी वजह से हुई है, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जो हुआ उसको भूल जाओ, मैं मानता हूँ तुम्हारी गलती थी, पर तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, और हर्ष से अपनी गलतियों की माफी मांग लो, तुम्हारे दिल का बोझ कम हो जाएगा। उत्कर्ष डॉक्टर की मदद से हर्ष के घर का एड्रेस ले लेता है और शिल्पा के साथ उसके घर जाकर वो दोनों मिलकर हर्ष से माफी मांगते हैं, पर आदि उन्हें माफ नहीं करता और अपने घर से बेइज्जत करके निकाल देता है। उस दिन के बाद से शिल्पा हमेशा के लिए रोमांटिक चैट करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि अब वो किसी से नॉर्मल चैटिंग भी नहीं करती और अपने किरे के लिए दिन रात खुद को कोसती रहती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और उसकी हालत भी आखिरकार हर्ष की तरह ही हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रोमांटिक चैट करने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसने कुछ ऐसा किया हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।